नागिन सीजन 6 में हो गया है नागों के नाक नागरा शेषनाग की एंट्री। उनके साथ ही हो गया है शेषनाग के अंश का भी एंट्री। नीली नागिन महक ने बेच दिया है वो नौ मनी यूडी को। क्या यूडी उस नौ मनी को देश के बाहर भेज देगा? फिर से हो गई है तक्षक नाग की एंट्री। पाठना के सामने आ गई है रघुवीर के नीले नाग होने का सच। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपके फेवरेट नागिन सीजन 6 के आज के धमाकेदार एपिसोड में क्या कुछ खास देखने को मिला, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत में हमको देखने को मिलती है जो पार्टनर है वो नौमनिया ढूंढने में लग जाती है और वो रघुवीर के रूम में भी चेक करती है, लेकिन उसे वो नौमनिया नहीं मिलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सीमा और महक है वो बात कर रहे होते हैं नौमनियों के बारे में कि वो नौमनिया वो बेचने वाली है जेंग के बेटे यूडी को, और वो पार्टनर सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन महक को पता चलती है कि प्रीति वो सारी बातें सुन रही है और वो प्रीति को पहचान लेती है और उसे रूम से निकाल कर फेंक देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रघुवीर है वो नौमनिया वो लेकर कार में कहीं चल रहा होता है और वो महक और पार्थना दोनों जाती है उस नौमनियों को लेने के लिए। लेकिन जब पार्थना जाती है नौमनियों को लेने के लिए, महक भी पीछे पीछे आती है, इसलिए पार्थना महक को बंदी बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब पार्थना रघुवीर से वो नौमनिया लेना चाहती है, वहाँ पर महक पहुँच जाती है क्योंकि सीमा ने महक को आज़ाद कर दिया था। महक और पार्थना के बीच एक जंग भी होता है जहां पर सीमा वो नौमनिया लेकर महक के साथ वहाँ से चले जाती है और पार्थना के हाथों से नौमनिया चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पार्थना है वो पहुंच जाती है तक्षक नाग के पास, यानी तक्षक नाग फिर से नागिन 6 में एंट्री कर चुके हैं। और तक्षक नाग बोलते हैं अगर वो नौमनिया देश के बाहर चला गया तो देश में बहुत ही ज़्यादा भूसा आने वाला है, अगर वो नौमनिया देश के बाहर चला गया तो देश में बहुत ही ज़्यादा विपद आएगा। इसलिए बोलते हैं पार्थना को कि तुम जाओ धरती के नीचे और वहाँ पे तुम्हें शेषनाग मिलेगा, क्योंकि शेषनाग अभी समाधि में है तो तुम्हें ही धरती के नीचे जाना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पार्थना है वो पहुँच जाती है धरती के नीचे और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं शेषनाग को, लेकिन उससे वहाँ शेषनाग नहीं मिलते हैं। और फिर से वो पहुँच जाती है भगवान नारायण के मंदिर जहाँ पर वो तांडव करने लगती है और बोलती है नारायण को कि शेषनाग को भेज दीजिए। वहाँ पर वो तांडव करने लगती है और भगवान विष्णु शेषनाग को भेज देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है धरती के नौ नाग भी हमें दिखाया जाता है और शेषनाग की भी एंट्री होती है। और शेषनाग बोलते हैं पार्थना को कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम्हारी मदद के लिए मैंने ऑलरेडी भेज दिया है मेरा अंश, यानी मेरा तीन अंश है जो प्रकृति ने बनाया है, एक नाग है और दो नागिन है। और हमें पता चलती है वो अंश कोई और नहीं, वो है रघुवीर। तो आने वाले एपिसोड में उसका खुलासा होने वाला है, वो अंश और कोई नहीं, वो रघुवीर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शेषनाग है वो वहाँ से चला जाता है और बोलते हैं वो बहुत ही जल्द अंश का सामना होने वाली है पार्थना से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो पार्थना सोचने लगती है कि वो नीला नाग, वो जो नीला साफ है वो नागिन नहीं नाग है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है महक ये पार्टी ऑर्गेनाइज करती है उस नौ मनी को बेचने के लिए, और वहाँ पर वो यूडी भी आ जाती है उस मनी को लेने के लिए, और मनी को एक ज्वेलरी के शेप में रख दिया होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत बड़ा तूफान आता है और ये तूफान आई है यति के वजह से, जहाँ पर यूडी यति को भी लेकर आया है। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है नागिन 6 का, जहाँ पर आने वाले एपिसोड में पार्थना को पता चलने वाले है कि रघुवीर ही वो नीला नाग है। तो कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या देखा है आपने नागिन 6 का आज का धमाकेदार एपिसोड? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।